हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अपने एक और ऑनलाइन स्टूडेंट से मिलवाना चाहूंगा। दिल्ली से है, फरमान मलिक नाम है, और दिल्ली से ये वन वीक के लिए भोपाल आया था। और फरमान मलिक आपको बताएगा कि क्या इसका एक्सपीरियंस रहा और ऑनलाइन स्टूडेंट से मिलवाने का पर्पस क्या। पहले मैं बता दूं, नंबर वन, जब आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़ते हैं, आज इंडिया के हर जगह के बच्चे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ते जा रहे हैं इंडिया में, तो आप जब घर पर पढ़ाई करते हो और क्लासरूम में पढ़ाई में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस जब बच्चा यहाँ पे आके अटेंड करता तो समझ में आता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। और मैं आप सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि आप भोपाल आए, ये जरूरी नहीं है, पर क्या क्या चेंजेस आपको अपने अंदर लाने हैं घर पर रहते हुए पढ़ाई करते हुए, ये एक ऑनलाइन वाला स्टूडेंट जितने अच्छे से बता सकता है उतने अच्छे से क्लासरूम स्टूडेंट नहीं बता सकता। एक पर्पज ये होता है। और एक और चीज़ है, आपने देखा होगा लास्ट ईयर जिन जिन बच्चों से मैंने मिलवाया था, आज मैं आपको इससे मिलवा रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं आपको इसको सिलेक्शन के साथ भी मिलवाने वाला हूँ। और यही बिलीव आपके अंदर भी होना चाहिए, अगर आप बहुत पॉजिटिव माइंड से मेहनत करेंगे तो आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो आप अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं एक हफ्ते में, क्योंकि आप दिल्ली जैसी बड़ी जगह से आए हुए हो तो आपने वहाँ पढ़ाई भी की है, और ऑनलाइन से पढ़ने के बाद जब आप आए तो ऑनलाइन से जब पढ़ते थे जब, और अब आपने यहाँ जो सीखा है अब जाके आपको ये अप्लाई भी करना है, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि क्या क्या चीजें आप पहले फील करते थे और क्या क्या आपने यहाँ पर फील। हेलो एवरीवन, मैं फरमान मलिक दिल्ली से हूँ, और मैं यहाँ पर आने से पहले जब मैं घर पे पेन ड्राइव से पढ़ता था, तो घर पर मैं पढ़ता तो था, तीन तीन घंटे चार चार घंटे पढ़ता तो था, या उससे भी ज्यादा पढ़ जाया करता था। लेकिन ना मुझे अंदर से एक मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही नहीं जा रहा, और मैं क्या करता था, मैं गलती ही करता था जो नॉर्मली मैंने बच्चे गलती करते हैं कि वो ना कंटिन्यू सर की जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू करते हैं, उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया, मैंने क्या देखा कि जीपी का एक टॉपिक वो पूरे हफ्ते में कवर किया गया, और पूरे हफ्ते में हर एक दिन 6 घंटे सिर्फ सेल्फ स्टडी चलती थी, और सुबह में एक सेशन होता था जीपी का, और शाम में एक सेशन होता था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। तो जब कोई इंसान 6 घंटे पढ़ेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, तो और ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन ये मेरे दिल में ना एक बार ये डाउट बना रहता था कि पता नहीं बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, मैं सही जा रहा हूँ नहीं सही जा रहा, और मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये चीज़ दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे जो हैं सुबह का सेशन लेते हैं और 4 बजे तक पढ़ते हैं, और फिर क्या बोलते हैं शाम का एक सेशन लेते हैं, और फिर उसके बाद डाउट क्लास होती है जिसमें बच्चे अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे जो डाउट्स आते थे वो सर बहुत हद तक क्लियर करते थे, और बच्चों से ही पूछ लिया करता था। और एक जो दिक्कत वो बच्चों के साथ आती है ना, ऑनलाइन बच्चों के साथ वो दिक्कत ये आती है कि बच्चे ना नेगेटिव थॉट्स बहुत सोचने लगते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना तो उनको तुरंत दूर करो, क्योंकि अगर आप सर पर भरोसा करते हो तो आपको सर ले ही जाएंगे, कामयाबी तक ले ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो सब एक्सपीरियंस झेला है, उसको लिया उन्होंने, और तुम भी ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर इसके बावजूद भी, घर पे पढ़ने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, तो आप यहाँ पर आ जाइए और एक्सपीरियंस देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि मैं जितना पढ़ रहा था मैं कम पढ़ रहा था। और जब यहाँ आप देखेंगे बच्चों का कंपटीशन के यार ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और मैं तो अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल रहा था, तीन तीन चार चार घंटे पढ़ने के बाद मैं थक जाता था, लेकिन यहाँ पर बच्चे 6-6 घंटे सिर्फ सेल्फ स्टडी दे देते हैं सेशन के अलावा, तो सोचिए कितना कितना बेटर रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आकर देखेंगे ये तभी पॉसिबल है। और एक जो क्वेश्चन नॉर्मली बच्चों के पेन ड्राइव लेने से पहले जो रहता है वो ये रहता है कि पता नहीं 18,000 रुपये का कोर्स है, आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत डाउट बना रहता है बच्चों का। तो मैं कहता हूँ कि आप भरोसा करिए और तुरंत फैसला लीजिए, क्योंकि तुरंत फैसला लेने वाला ही कामयाब हो सकता है, अगर कोई धीरे धीरे चलेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। और बाकी थैंक यू कहना चाहूँगा सर को। और एक चीज़ और, अगर आप फ़ोन पर सर से जैसे बात करते हैं तो बच्चे सोचते हैं पता नहीं फ़ोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे, मैं जब सर से बात करता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि सर के पास लाखों बच्चे, मतलब हज़ारों बच्चे पढ़ते ही नहीं है, सोइयों बच्चे पढ़ते ही नहीं है, जब वो मुझसे बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पर्सनली जानते हैं। तो ये चीज़ सर का सपोर्ट, और सर बीच बीच में मोटिवेशन करते रहते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। और बाकी आप भरोसा करिए, मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फरमान, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और देखिए मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूंगा जो इसने बोली, ये आप लोग जो ऑनलाइन कोर्स से जुड़े होते हैं, अलग अलग कोर्स से बच्चे जुड़ते जाते हैं, आप सभी को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा,
कि आप जल्दी मत करिए कि सभी कुछ एक दिन में निपटाना, जो इसको भी पहले लगता था, जैसे यहां पर इसने केवल वन वीक में मॉर्निंग सेशन में जीपी पढ़ा और इवनिंग सेशन में सोची परम्यूटेशन, और बच्चे फिर उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले बेस बुक से कर रहे हैं, बेसिक से, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो जब एक प्रॉपर टाइम किसी टॉपिक को दिया जाता है तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो कई बार हम घर पे सोचते हैं हमारे पास पूरा कोर्स है, हम इसको 15 दिन में निपटा लें, एक टॉपिक को दो दो दिन दें। मैं बोलूंगा हर टॉपिक को मिनिमम वन वीक देने की कोशिश करिए। मैथ्स के करीब करीब 30 टॉपिक्स होते हैं, अगर आप वन वीक भी देंगे तो टाइमली आपका सिलेबस खत्म होगा। पर पढ़ना है, 1 घंटे पहले वीडियो देखना, जैसे क्लास में होता है कि हमने पढ़ाया, वो आपको 1 घंटा वीडियो देख के मिलेगा, क्योंकि क्लास में जो चीज 2 घंटे में होती है वीडियो में 1 घंटे में कवर होती है, क्योंकि उसमें हम कई सारी चीज कट कर देते हैं बोर्ड पर लिखने वाला टाइम। तो आप 1 आवर के वीडियो सेशन के बाद कम से कम 3 से 4 आवर सेल्फ स्टडी करिए, फिर उसके बाद अगला देखिए। एक बार में कंप्लीट ना देखें, फिर पहले बेसिक क्वेश्चन करिए। ये भी एक डाउट रहता है कि डाउट आते हैं, पर पहले बेसिक करिए, बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़िए टफ की तरह, तो आपको हर चीज बनेगी। और थैंक यू मैं बोलूंगा आपको, और ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा फिर से आपको इसी जगह पे आना है नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन के साथ, और फिर से बच्चों को अपने कमेंट्स देना और एक्सपीरियंस शेयर करना। थैंक यू।